तो आज है जो है दिन फ्राइडे और आज है तीज। तो सबसे पहले आप लोगों को तीज का जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं जो है कर रही हूँ तीज की तैयारी। तो खाना तो मेरे सुबह मतलब बन गए थे, पूजा उजा हो गए थे और सब कुछ हो गया था। तो हम ये चढ़ाने के लिए मैंने फ्रूट मंगाए थे। तो मैंने कहा कि चलो इसको जो है धुल के सुखा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो धीरे धीरे करते रहेंगे तो मेरा जो है इंतजाम हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे बैठे रहेंगे आलस में। तो वैसे भी जो है आज के दिन बहुत बिजी रखना, क्योंकि निराजली व्रत है, तो कुछ ना कुछ अपना करते रहेंगे, टाइम पास हो जाएगा, दिन तो बीत ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं सारे फ्रूट्स को जो है जो धुल के और इसको पंखे के नीचे जो है सुखा लूँगी। इतने सारे मुझे चढ़ाने नहीं है, बस मतलब पांच तरह के जो फल होते हैं वही चढ़ाना होता है, तो उसमें से हम छाट के निकाल लेंगे। उसके बाद वैसे भी आज हमको अपने आप को बिजी रखना है। तो ये मेरे फ्लावर जो है बहुत गंदे हो रखे थे, काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तो मैंने कहा कि चलो आज के दिन ये भी काम कर लेते हैं। तो इसमें मैंने सर्फ थोड़ा सा घोल कर इसको जो है अच्छे से मतलब धुल दिया, क्लीन हो गया है। तो इसकी सारी जो है फूल जो है निकल गए। तो इसको हम लगा देंगे और उसके बाद थोड़ी देर इसको धूप में रख देंगे, अच्छे से सूख जाएगा, क्योंकि बहुत गंदा हो चुका था, क्योंकि बाहर की जो धूल मिट्टी आती है ना तो गंदे हो जाते हैं। तो इसी लगे हाथ मैं इसको भी जो है साफ़ कर ली। और उसके बाद फिर वैसे भी जो है अपने आप को आज बिजी रखना है, तो बस यही सब काम कर रहे हैं। तो मेरा दिन जो है बीत जाएगा, सबका ही बीत जाएगा, कुछ ना कुछ अपना करते रहो। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ महावर। महावर जो है मैं लगा ली, नहीं तो शाम के टाइम जब नहा लेती हूँ तो फिर भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहते हैं। मैंने कई बार ऐसे हुआ है मेरा जो है हम भूल गए हैं, तो बस वही जो है महावर वहाँ लगा लिए। उसके बाद फिर अब थोड़ा मतलब दिन का बज गया 3:30, तो हमको यहीं पर पूजा करना था। तो हम कहला पहले यहाँ पर थोड़ा सा एक बार झाड़ू कर लेते हैं और पोछा मार लेते हैं ताकि जो है सूख जाए, यहीं पर पूजा करेंगे। मंदिर तो इस बार जाना नहीं है, इस बार तो मंदिर जाएंगे नहीं, वैसे हर साल जाती थी लेकिन इस बार जो है डर लग रहा है, भीड़ तो काफ़ी होगी लेकिन हम मतलब जाएंगे ही नहीं। तो अपने यहीं पर अपना सामान वामान तैयार कर लेंगे। तो धीरे धीरे मैं जो है अपने सामान को इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं पूजा करती हूँ ना तो मुझे जो है दिमाग से उतर जाता है कि हाँ ये सामान रखना है, ये रखना है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे मतलब पूरा दिन यही करती रही, एक एक सामान जो है रखती रही। और ये है अशोक का जो है पत्ता है, आम का तो पत्ता यहाँ मिल नहीं पाएगा, तो इसको जो है वो कल से मैं रखने के लिए मंगाई थी, तो ढेर सारा आ गया था। तो हम कह इसको जो है तोरण बना लेते हैं, जिसको बंधनवार बोलते हैं। मेरे पास केले का पत्ता नहीं था, मिला नहीं, तो हम कहे चलो इसी को हम सजा देते हैं अच्छे से तोरण बना के। तो बस उसी को मैं बना रही हूँ। बस मेरे बंधनवार बनकर रेडी हो गया है, अब मैं इसको लगा देती हूँ और अच्छा लग रहा है, छोटा सा अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद फिर मैं जो है थोड़ी देर बैठ गई, क्योंकि बहुत आज चली हूँ मैं। तो उसके बाद हम कहे नेल पॉलिश लगा लूँ, नेल पॉलिश नहीं लगाई थी, मेहंदी तो कल का ही लगवा लिया था लेकिन नेल पॉलिश नहीं लगाया था। तो बस वही जो है हम लोग थोड़ी सी मतलब बैठ के बात बात कर रहे हैं और नेल पॉलिश लगा रहे हैं, और अभी बज रहे हैं 3:30। उसके बाद धीरे धीरे मतलब ऐसे टाइम पास हो गया, पता भी नहीं चला दिन जो है। और 1 घंटे मैंने आराम भी कर लिया था, मतलब ऐसे लेटे हुए थे थोड़ी देर के लिए। तो बस मेरे काम वाम मतलब हो गए हैं, सामान भी इकट्ठा हो गए हैं। अब बस जैसे शाम होगा उसके बाद फिर नहा लेंगे, नहा के उसके बाद पूजा कर लेंगे, मंदिर तो जाना नहीं है। तो बस जो है शाम के 7:30 हो गए हैं, मैं नहा भी ली, नहा कर आ गई हूँ। अब उसके बाद पूजा की तैयारी तो मेरी हो ही गई थी, अब बस उसके बाद जो है पूजा कर लेते हैं बस।
मैंने इतना सारा सामान मंगवाया, बस एक किताब नहीं मंगा पाई। मुझे ध्यान में नहीं था, मुझे लगा कि मैं मंगा कर रखी हूँ, बहुत सारे किताब थे लेकिन मेरे पास हरितालिका तीज व्रत की किताब नहीं थी। तो फिर मुझे फ़ोन, क्योंकि हर साल मैं जाती थी वहाँ मंदिर जाती थी तो वहाँ पे काम चला लेती थी क्योंकि पंडित वहाँ पे कथा सुना देते थे, तो इस बार जो है मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो फिर जो है फ़ोन से जो है हम कहानी पढ़े, हम लोग कहानी को पढ़े और सुने। तो कहते हैं ना कि आज के दिन जो है सुहागिन औरतों के लिए, मतलब ये पर्व बहुत मतलब बहुत अच्छा भी होता है और टफ भी होता है। पूरा दिन जो है, पूरी रात निराजली व्रत को रखना पड़ता है। तो आज के दिन जो है पार्वती जी शिव भगवान के लिए मतलब निराजली व्रत रखी थी, क्योंकि उनकी शादी जो है विष्णु भगवान से हो रही थी, उनके मतलब पिताजी वो तय कर दिए थे, तो वो जंगल में जाके छुप गई थी। तो फिर नारद ने जाके जब बताया तो उसके बाद फिर भगवान शिव वहाँ पे गए उनके पास, और उसके बाद फिर उनको मतलब बताए। तो फिर शाम को फिर गई नहाई वहाई, फिर बालू का शिवलिंग बनाई, उसके बाद पूजा की, फिर सुबह अपना पारण वारण की। तो इसी के मतलब उसमें ये हरितालिका का व्रत मनाया जाता है। लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और पूरा दिन उपवास रखती है, जो है सुबह पानी पीती है और जो है ये सावन के भाद्रपद कृष्ण नक्षत्र में मनाया जाता है। सुबह जो है पारण की इसी के उपलक्ष्य में औरतें जो है सुहागिन औरतें अपने पतियों के लिए लंबी आयु की कामना करती हैं। तो मतलब जो आज इस मतलब हरितालिका पे निराजली जो व्रत है, मतलब उनके लिए भी सबके लिए भी मेरी तरफ से तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस मेरा पूजा वूजा हो गया है, अब बस